पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार के साथ में रहे हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में? पटेल साहब जो मंत्री है और भोपाल में रहे, मैं मीडिया का अध्यक्ष था उस समय, वो आवास पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे और शिक्षा मंत्री भी थे। उसके बाद 98 में हम लोग विधायक भी साथ में बने और उनसे बहुत ही करीबी और घरेलू संबंध थे उनसे, और पूरे उसके बाद भी जब हम लोग 15 साल तक सरकार नहीं मिलते रहे, बहुत ही सहज और बहुत ही मिलनसार, और लोगों के कभी थकते नहीं थे, लोगों के काम करते हुए कभी उनका पेन बंद नहीं होता। मैं समझता हूँ कि एक मध्य प्रदेश के एक अलग टाइप के शांत नेता है, जो कभी गुस्सा होते हुए उनको नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा और राजधानी परियोजना, ये अपने आप में बड़े इम्पोर्टेंट विभाग रहे हैं, उन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने संभाला और एक सफल जीवन राजनीति का रहा। आज एक साल पूरा हुआ पिछले जब उनकी अंत्येष्टि हम लोग नहीं आ पाए थे, आज उनकी बरसी पर हम लोग आए हैं और अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। कमलेश्वर भाई हमारे साथ मंत्रिमंडल में हैं, हम लोग सब मिल के आज यहाँ 4-5 मंत्री आए हैं, हमारी विधानसभा के उपाध्यक्ष कांवरे जी आई हैं और एक टीम के रूप में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर चाहे विंध्य हो या मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ जो भी इंद्रजीत पटेल जी की जो और भावनाएँ थी, इच्छाएँ थी, जो काम होना चाहिए उसको भी हम लोग सब मिलकर कमलनाथ जी के नेतृत्व पूरा करें। शर्मा जी, एक प्रश्न था, ग्वालियर में गोडसे की पूजा का वो हुआ है, सुनने में आया हुई थी, तो मैंने उसी समय कलेक्टर एसपी को लगाया था जी और FIR दर्ज करा दी थी और जो लोग हैं उनके खिलाफ सब कानून कार्रवाई हो रही है। BJP के कुछ लोग शामिल थे जिनका, जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये महात्मा गांधी का देश है, 185 वर्षगांठ उनकी चल रही है जी और राष्ट्र संघ तक उसको मना रहा है और BJP भी उसको मानने का, महात्मा गांधी को मानने का योग भी करती है, तो मैं समझता हूँ उसको भी दिल्ली से इन सब चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए। आदरणीय इंद्रजीत पटेल साहब का व्यक्तित्व एक ईश्वर स्वरूप जैसा एक मैं मानता हूँ कि उनका हमारे प्रति आशीर्वाद, और व्यक्तिगत रूप से मुझे तो बहुत ऐतिहासिक पसंद करते भी थे और मुझे मार्गदर्शन देते थे। मैं मानता हूँ कि आज आकर बड़ा मन को भी सुकून हुआ, ईश्वर ने इतने अच्छे इंसान थे कि उनको स्वर्ग में ही जगह मिली है, इस भावना से कि उनके बच्चे बच्चों के, खासकर कमलेश्वर जी जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में दिन रात लगे रहते हैं, गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं, उनकी भावना को समझकर काम करते रहते हैं, ये अपने आप में इस बात का उनने जो संस्कार बच्चे बच्चों को दिया ये भी है। स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी के पहले पुण्यतिथि पे हम सभी मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं। इंद्रजीत पटेल साहब का एक विशेष योगदान रहा पूरे मध्य प्रदेश के विकास में भी और विशेषकर विंध्य क्षेत्र में। आज यहाँ पर जिस प्रकार से सिर्फ विंध्य से ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश से जिस प्रकार से आम जनता, कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता आज उनकी प्रथम जयंती पे प्रतिनिधि बना रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं जो उनका योगदान रहा है प्रदेश के विकास में वो कभी कोई नहीं भूल पाएगा। उनके बेटे मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी भी उन्हीं के संकल्पों के आधार पर आगे काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका नाम और रोशन करेगा।